हेलो नमस्ते, हाउ आर यू गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, रिसेंटली मैं बहुत ही बिजी थी इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। सो गाइस, मैं आज लेके आई हूँ मेरे एक नए वीडियो के साथ जो रहेगा ह्यूज मेकअप हॉल। सो गाइस, जैसे आपको पता है बहुत सारे ऐप में अच्छी अच्छी डील चल रही थी मेकअप और स्किन केयर से रिलेटेड, तो मैंने भी बहुत सारी शॉपिंग की है मेकअप और स्किन केयर रिलेटेड जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मोस्ट ऑफ द आइटम मैंने सब डिस्काउंट में परचेस किए, 35-50% ऑफ में, जो मुझे काफ़ी टाइम से परचेस करनी थी पर उसमें डिस्काउंट नहीं थे इसलिए मैं परचेस नहीं कर पाई थी। पर मैंने फाइनली मौके पे चौका मार के मैंने ये चीज़ें परचेस कर ली है। ये सारे प्रोडक्ट के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी नाम और प्राइस के साथ जो मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाली हूँ। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट करें हम अपना हॉल शुरू करते हैं। सो ये रहे मेरे पैकेजेस जिसमें से बहुत सारी आइटम मैंने नायका से मंगाई है, मिंत्रा से मंगाई है और फ्लिपकार्ट से भी मंगाई है जो मैं आपके साथ एक एक करके शेयर करूंगी। तो सबसे पहले मैंने परचेस किया जॉर्जियो प्रोफेशनल का ब्यूटी ब्लेंडर। ये काफ़ी अच्छा है, इसकी क्वालिटी मैंने देखी, ये काफ़ी अच्छी लगी मुझे। सो दोस्तों, ब्यूटी ब्लेंडर बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होता है मेकअप ब्लेंडिंग के लिए। ये अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, अगर आप इसको पानी में वेट करोगे अच्छे से तो ये डबल साइज का हो जाएगा। इसकी क्वालिटी की बात करें तो ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सॉफ्ट है, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। मैं गाइस ज़रूर रिकमेंड करूंगी जॉर्जियो प्रोफेशनल का ब्यूटी ब्लेंडर जो नायका पे अवेलेबल है। इसकी एक्चुअल प्राइस 250 है बट मुझे ये आफ्टर डिस्काउंट करीब 200 का मिला है। तो अगला प्रोडक्ट मैंने परचेस किया है नायका से, वो है वेट एंड वाइल्ड का आई शेडो पैलेट रोजे इन दी एयर शेड में। गाइज, ये आई पैलेट मुझे बहुत ही अच्छा लगा है अफोर्डेबल रेंज में। ये काफ़ी, इसके अगर आप शेड्स देखोगे ना, काफ़ी पिगमेंटेड और काफ़ी क्लासी है। सो दोस्तों, इसमें आपको ट्रांजिशन शेड मिलेंगे, थोड़े मैट शेड मिलेंगे और शिमरी शेड भी मिलेंगे। सो दोस्तों, अगर आप अफोर्डेबल रेंज में अच्छा आई शेडो पैलेट ढूंढ रहे हो तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूंगी वेट एंड वाइल्ड का आई शेडो पैलेट जो मुझे नायका पे मिला है। मुझे ये करीब 35% ऑफ में मिला है, इसकी एक्चुअल प्राइस 499 है। गाइज हाँ, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, अगर आप अमेजोन पे देखोगे तो इसकी प्राइस 899 बता रहा है पर ये 899 का पैलेट नहीं, इसकी एक्चुअल प्राइस 499 है और ये आपको 35-40% में मिंत्रा या नायका पे ज़रूर मिल जाएगा, वहाँ पे भी एक बार सर्च करिएगा। सो गाइज, ये सारे मेकअप रिलेटेड प्रोडक्ट मैंने मंगाए मिंत्रा से। मिंत्रा पे एंड ऑफ सीजन सेल चल रहा था और उस पर 50% ऑफ डिस्काउंट चल रहा था। मुझे कोई कोई प्रोडक्ट 35% में मिले और कोई कोई प्रोडक्ट मुझे 50% ऑफ में मिले। गाइज, नेक्स्ट आइटम मैंने मिंत्रा से परचेस की है वो है वेट एंड वाइल्ड का मेगा ग्लो कॉन्टोरिंग पैलेट। मैंने लिया इन द शेड कैरेमल टॉफी के, क्योंकि ये मेरे शेड को मैच हो रहा है। गाइज, इसमें दो शेड्स अवेलेबल है, एक है लाइट टू मीडियम स्किन टोन के लिए और सेकेंड है मीडियम टू डार्क स्किन टोन के लिए। सो गाइज, दो ऑप्शंस अवेलेबल है आपके पास। अगर आपका शेड मेरे से मैच करता है तो आप जरूर कैरेमल टॉफी शेड चूज करिए और इसकी प्राइस है 499 रुपीज। सो गाइज, ये देखो पैलेट, ये कितना बड़ा है और मैं इसके साइज से तो बहुत ही खुश हूँ। ये बहुत अच्छा है और यहाँ पे लिखा है क्रुएल्टी फ्री। इसको ओपन करते हैं, देखते हैं। सो गाइज, ये देखिए, ये है कॉन्टोर शेड। आई डोंट नो आपको मेरे हाथ पे दिख रहा होगा कि नहीं। सो गाइज, ये है कॉन्टोरिंग शेड और यहाँ पे आप देख सकते हो ये है हाइलाइटर। आप इसको एज अ हाइलाइटर यूज कर सकते हो। गाइज, अगर आप परचेस करना चाहते हो कुछ अफोर्डेबल रेंज में जो 500 के अंदर है तो मैं ये वाला पैलेट जरूर रेकमेंड करूंगी। इस मैंने परचेस किया है वेट एंड वाइल्ड का आई शेडो प्राइमर। इसकी प्राइस है 399 रुपीज पर ये मुझे अगेन डिस्काउंट था अमेजोन पे तो मुझे ये 400 का हाफ प्राइस में मिला है 200 में। सो गाइज, ये है आई शेडो प्राइमर। अभी तक मैंने भी यूज़ नहीं किया है। मैं गाइज इसको यूज़ करके आपको ज़रूर इसका रिव्यू दूंगी। अगर आप इंटरेस्टेड है आप मुझे कमेंट पे बताइए कि आपको कौन से प्रोडक्ट का रिव्यू चाहिए। दोस्तों, आप वेट एंड वाइल्ड के ज़्यादातर प्रोडक्ट देखोगे तो काफ़ी बजट फ्रेंडली है, आप इजीली अफोर्ड कर सकते हो स्पेशली इन सेल सीजन में। सो दोस्तों, मैं इसको ज़रूर देखूंगी कि ये कैसा है। अगला प्रोडक्ट मैंने मिंत्रा से परचेस किया है वो है कॉन्टोरिंग ब्रश। सो गाइज, अगेन डील अच्छी थी तो मैंने परचेस कर लिया। इसकी एक्चुअल प्राइस है 300 रुपीज। सो गाइज, काफ़ी सॉफ्ट है, काफ़ी सॉफ्ट है ये। मुझे इसके ब्रिसल काफ़ी अच्छे लगे। अगर आप ये रेंज में ढूंढोगे तो आपको ये रेंज में मेकअप ब्रशेज इजीली नहीं मिलते हैं।
अगर आप मेकअप ब्रशेस लेने जाओगे तो ज्यादा करके बहुत ही प्राइसी रहते हैं, कॉस्टली रहते हैं। अगला प्रोडक्ट मैंने मिंत्रा से परचेज किया है वो है फोटो फोकस का मेकअप सेटिंग स्प्रे जो डूवी फिनिश में है। इसकी प्राइस है 499 रुपीज़। अगेन 30-35% ऑफ में था तो ये मेरे लिए अगेन ग्रेट डील थी, तो मैंने ये परचेज किया। गाइज मैंने अभी तक इसको ओपन नहीं किया, मैं इसको ओपन करूंगी और इसका भी रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं आपके लिए इसका रिव्यू जरूर शेयर करूंगी। सो गाइज ये सारी चीजें मैंने मिंत्रा से परचेज की थी, अभी मैं शेयर करूंगी कि मैंने फ्लिपकार्ट से क्या क्या परचेज किया है। सो गाइज स्टार्ट करते हैं। सो गाइज फ्लिपकार्ट से मैंने परचेज किए ये बटन वाइल के आई शेडोज, क्योंकि मैंने पहला आई शेडो देखा रोजे इन दी एथ, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा तो मैंने सोचा मैं और इसके आई शेडोज पैलेट ट्राई करूंगी। ये इन दी शेड न्यूड अवेकनिंग और इसकी अगेन प्राइस है 499 रुपीज। तो नेक्स्ट परचेस किया है मैंने वेट एंड वाइल्ड का स्मॉल आई शेडो पैलेट। गाइज ये 300 रुपीज का है, बहुत ही अफोर्डेबल है और ये मैंने लिया है हुक ऑन द विनल शेड में। गाइज नेक्स्ट परचेस है मेरा फ्लिपकार्ट से, वो है वेट एंड वाइल्ड का लाइट्स आउट आई शेडो पैलेट। ये भी स्मॉल आई शेडो पैलेट है, इसकी भी प्राइस 300 है। तो गाइस नेक्स्ट मैंने परचेस किया है वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस मैट फिनिश सेटिंग स्प्रे जिसकी एक्चुअल प्राइस है 499 रुपीज़, पर ये अराउंड मुझे कुछ 35% या 40% ऑफ में मिला है। सो गाइस मैं बहुत ही खुश हूँ इसके प्राइस को लेके। सो गाइस नेक्स्ट मैंने परचेस किया है मेबलिन का सुपर स्टे 24 फुल कवरेज फाउंडेशन जो मैंने लिया है 312 शेड में जो गोल्डन शेड है। ये है, ये मुझे मिला है 750 नो डिस्काउंट क्योंकि ये न्यूली लॉन्च हुआ है। गाइस जब न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट होते हैं तो उस पर कोई डिस्काउंट नहीं मिलता, अपने को वही प्राइस में परचेस करना पड़ता है जो इसकी एक्चुअल प्राइस है। गाइस मैंने अमेजोन ऐप से भी परचेस किया है, पहला जो परचेस है मेरा वो है मेबलिन का फैशन ब्रो डुओ शेपर। ये यहाँ से पेंसिल है। सो गाइस ये है पाउडर फॉर्म में। सो गाइस ये अराउंड मुझे 350 के आसपास मिला है, इसकी एक्चुअल प्राइस आई डोंट रिमेम्बर, मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर मेंशन कर दूंगी। सो गाइस ये है मेरा मेबलिन का फैशन ब्रो डुओ शेपर। नेक्स्ट आइटम है वो है स्किन केयर और हेयर रिलेटेड से जो मैंने नेचुरलिस्ट का टी ट्री ऑयल मंगाया है। गाइस टी ट्री ऑयल बहुत ही अच्छा रहता है अपने बालों और स्किन के लिए। सो गाइस इसकी प्राइस है 265 रुपीज़ जो मुझे चाहिए था, तो मैंने और ये सिर्फ 10 ml की बॉटल है जो 265 रुपीज़ की है। सो गाइस ये भी मुझे ट्राई करना है कैसा है, ये ब्रांड मैं पहली बार यूज़ कर रही हूँ। सो गाइस देखते हैं कैसा है। सो गाइज ये था मेरा ह्यूज मेकअप हॉल जो मैंने अमेजोन मिंत्रा फ्लिपकार्ट से परचेस किया था। सो गाइज अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे और थोड़ा भी यूजफुल लगे तो हमारे प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियोज़ लेके आते रहेंगे। Till then, bye bye. हमारे चैनल पे ऐसी बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो है, इन्हें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।